तो मान लेते हैं a इज ग्रेटर देन जीरो, b रियल नंबर एंड p एंड q रेशनल नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं कि a जो है एक रियल नंबर है, ठीक है, जो जीरो से बड़ा है, ठीक है। एक पॉइंट ये है, सेकेंड वन है कि p और q जो है वो रेशनल नंबर है, वो भी रेशनल नंबर है, ठीक है। तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम पहले लॉ पे चलते हैं। तो मान लीजिए a पावर p है इंटू a पावर q है, दोनों का बेस जो है सेम है, a है, सेम बेस है। तो जब सेम बेस होता है और पावर डिफरेंस होता है, ठीक है, बेस सेम पावर डिफरेंस, इस कंडीशंस में क्या होता है कि जो पावर है उसको ऐड कर देंगे, तो a पावर p प्लस क्यू, ठीक है। तो एग्जांपल्स के लिए भी देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि 3 पावर 5 है इंटू 3 पावर 7, यानी 3 पावर क्या होगा 7 प्लस 5 12, क्लियर है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मान लीजिए a पावर p है और इसके पावर q है, a पावर p और होल पावर q, यानी पावर के ऊपर भी पावर है। जब ऐसी कंडीशन आती है कि पावर के ऊपर पावर हो, तो पावर के में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप बोल सकते हैं a पावर p q। एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि 5 पावर 3 पावर 5, यानी 5 3 5 जा 15, क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं थर्ड पे। मान लीजिए a पावर p है और a पावर q है, बेस यहां पर भी सेम है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। थर्ड कंडीशन में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। बोल सकते हैं ऐसे भी कि a पावर p डिवाइडेड a पावर q, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ऐड हो रहा था, डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्लियर है। जब यहां माइनस हुआ तो एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी, 3 पावर 7 बाई 3 पावर 5, यहां क्या हो रहा था ऐड, तो यहां क्या होगा सब्ट्रैक्ट, क्लियर, यानी 3 पावर 2। नेक्स्ट केस पे चलते हैं, यहां पे अब पावर सेम है, बेस अलग अलग है। मान लेते हैं कि a की पावर p है और b के पावर q है, यहाँ पर बेस क्या है अलग अलग है, सॉरी बेस क्या है अलग है, लेकिन पावर क्या है सेम है, दोनों का पावर p है यानी पावर सेम है। तो बोल सकते हैं कि इस कंडीशंस में क्या होगा, पावर तो सेम रह जाएगा लेकिन बेस का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो a भी पावर p, क्लियर है। इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं, 2 पावर 3 3 पावर 3, यानी 2 इंटू 3 पावर 3 इज इक्वल टू 6 पावर 3, क्लियर है। एनी डाउट कि a पावर माइनस b, जब माइनस पावर में होता है इसका मतलब ये है, तो अपन बोल सकते हैं कि जब भी माइनस आएगा कि वो रेसिप्रोकल में चला जाता है, वो इस फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। a पावर p अगर माइनस आ गया पावर से पहले, ठीक है, अगर पावर माइनस में है तो वो रेसिप्रोकल में चला जाएगा, ओके। सपोज दैट मान लेते हैं कि 3 पावर माइनस 5, तो 1 बाई 3 पावर माइनस 5, क्लियर। सेकेंड वन, केस सिक्स, a बाई बी पावर माइनस पी, ठीक है। तो या तो आप ये कर लो, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल को उल्टा कर दो, b बाई ए अगर कर देंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव में चेंज होगा, निगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, a बाई बी पावर माइनस पी है तो b बाई ए पावर पी।
समझ में आ रही बातें, क्योंकि यहां पर भी रेसिप्रोकल ही हुआ है, ये भी रेसिप्रोकल हुआ है, तो रेसिप्रोकल अगर कर देंगे तो उल्टा आ जाएगा, तो क्लियर हो गया। तो इसके लिए अगर एग्जांपल अब देखते हैं तो क्या 5 3/5 पावर -6, तो आप क्या बोल सकते हैं 5/3 पावर 6, क्लियर है। चलिए दो और केसेस है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो केस 7 पे आते हैं, a पावर m/n फ्रैक्शन में, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a m into n, क्लियर है। तो जब ये भी लिख सकते हैं तो आपको पता है कि पावर मल्टीप्लाई कब होता है, जब पावर के ऊपर पावर होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ओके। सिंपल सी बात है कि जब पावर फ्रैक्शंस में आते हैं, ठीक है, पावर किस में रहेगा, अगर फ्रैक्शंस में रहेगा तो वो रेडिकल्स में चले जाते हैं। तो जैसे कि रेडिकल्स में कौन जाएगा, जो फ्रैक्शन में है यानी इन, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ओके, समझ में आ रही बात है। तो अगर सपोज दैट एग्जांपल के लिए अगर ऐसे भी समझ दें थी a पावर 1/m, तो इसका वैल्यू क्या होगा, m यहाँ आएगा, a यहाँ आ जाएगा, जो भी फ्रैक्शंस में रहेगा वो इस फॉर्म में आ जाता है। तो उसी तरह से इसके लिए एग्जांपल सेट आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा कि 4 पावर 3/2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे फ्रैक्शन में कौन है, 2 है, तो 2 यहाँ डाल दीजिए 4 पावर 3, ठीक है, ये आया रिजल्ट। लेकिन जब रूट लगाते हैं तो 2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर 3 4 5 कुछ भी रहता तो लिख सकते थे, ओके। ये आ गई हमारे पास, और भी क्वेश्चंस में देख लेते हैं एग्जांपल। अगर मान लेते हैं 5 पावर 4/5, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, 5 पावर 4, तो ये चीजें हो सकती है। तो चलिए, ये तो हमारे पास कुछ लॉज थे 7, तो आते हैं एग्जांपल्स के ऊपर और बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल पे आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 पावर 1/2 पावर 1/2, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो चलिए देखते हैं, तो 16 पावर 1/2 पावर 1/2, ठीक है, तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो क्या बोल सकते हैं 16 पावर 1/4, यहाँ ये फ्रैक्शंस के अंदर है, 1/4 है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, है कि नहीं। जब इस तरह से लिख सकते हैं कि पावर 1 लिखने का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको ब्रेक कर लेंगे, ठीक है, इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, 2 2 4 2 8 2 16, यहाँ पावर 4 है तो इसको टू क्या आएगा, 2, ठीक है। ये आप दूसरी तरह से भी इसको देख सकते हैं, तो क्या लिखे हैं, 16 पावर 1/4 है ना, तो 16 पावर 1/4 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 4 पावर 1/4, पावर के ऊपर पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 2 पाई 4 इंटू 1/4 क्या आ गया, 2 आ गया। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप उसे देख लेंगे, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चंस पे चलते हैं, दूसरा में हमें सिंप्लीफाई करना है, तो देखते हैं कि किसको सिंप्लीफाई करना है। तो 18 पावर क्या दे हुए, -1/2, ठीक है, पावर के ऊपर ही मल्टीप्लीकेशन है, -1/4 इंटू 2, ये है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो पावर के ऊपर मल्टीप्लीकेशन है इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, -1/2 इंटू -1/4 इंटू 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो 81 पावर 1/4, और 81 पावर 1/4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है, और पावर 1/4 ऐसे है,
तो इसका मल्टीप्लाई अगर होगा तो क्या आएगा रिजल्ट, 3। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना लेट किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। एक्सप्रेशन हमारे पास दिया है 5/6, ठीक है, पावर 1/5 और इसका पावर 1/-6 है, -1/6 है, क्लियर है। तो पावर के ऊपर पावर कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 5/6 -1/30। ठीक है, हमने केसेस देते थे जब माइनस रहता है तो वो रेसिप्रोकल में चला जाता है, ठीक है, या फिर हम लोग जो हमारे पास डिजिट दिया जिसके ऊपर पावर है उसको ही रेसिप्रोकल में अगर कर दें 6/5 कर दें तो क्या होगा, माइनस हट जाएगा, 6/5 पावर 1/30, क्लियर है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18/16 पावर -3/4 दिया हुआ है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका पावर्स निकालते हैं 2 पावर 4, ठीक है, 3/2 पावर 4 क्या हो गया, 81/16, पावर में -3/4 है, -3/4, क्लियर है। सेकेंड में दिया हुआ है कि 9/25, तो 9/25 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3/5 होल स्क्वायर, और इसका जो पावर है वो क्या है, 3/2 है ना, डिवाइड इसमें क्या है, 5/2 है, तो 2/5 लिख देते हैं पावर में 3, क्लियर है। जब पावर के ऊपर पावर हुआ तो क्या हुआ, मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई हो ही जाता है तो क्या होगा, 3/4 × -3/4, ओके। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया 3/5 पावर 2 × 3/2 और ये 2/5 पावर 3, तो ये हमारे पास आया। तो अगर ये माइनस हटाना है तो आप एक लाइन और लिख सकते हैं कि 2/3 पावर 3, ठीक है, और ये ब्रैकेट से जब बाहर आएगा एक, तो आप ब्रैकेट से बाहर से पहले एक लाइन लिख लेते हैं, 3/5 पावर 3 डिवाइडेड 2/5 पावर 3, क्लियर है। तो इस सबका जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो क्या है, इक्वल है। जब इक्वल है तो देखेंगे कि 2/3 पावर 3, 3/5 पावर 3 और ये डिवाइड है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 पावर 3, तो इस सबका पावर सेम है तो होल पावर 3 कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आप उसमें देखिए तो ब्रेक हो गया, तो 1 पावर 3 = रिजल्ट क्या आया, 1 आया, क्लियर है। तो आप बस लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं कि यहाँ पे जो रही हमारे पास आया है, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं सबसे पहले, तो क्या ब्रेक करेंगे, 2 × 2 × 3 पावर 1/4 और 2 × 3 पावर 1/7, ये आया। तो दोनों में जो कॉमन होगा, सबसे पहले इस पर नज़र डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 20 देखिए, 2 2 2, इन सबका बेस सेम है, तो ये इस पर ऐड कीजिए 1/7, और इसमें इनका बेस सेम है 1/4 + 1/7, तो हमारे पास क्या आया, 28। इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो हमारे पास आएगा 18 और ये 11/28, ठीक है। तो ये चीज है आई, जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे, दोनों का एक्सपोनेंट अलग हो, ठीक है, या फिर पावर सेम हो, तो ये चीज लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 पावर 18, और जो फ्रैक्शन में रहेगा वो रेडिकल्स में चला जाएगा, × 3 पावर 11, क्लियर है, ओके। और एक लाइन और अगर लिखना चाहे तो दोनों का रेडिकल्स जो है सेम है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पावर 18 × 3 पावर 11, ओके।
इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो एवलुएट था उसका रिजल्ट जो है सिंप्लीफिकेशन ये निकल कर आया। ठीक है, इसी तरह के और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे है एम स्क्वायर एन स्क्वायर बेसिकली इंटू सिक्स एम स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू थ्री एम स्क्वायर एन स्क्वायर। तो यहाँ पे जो देखिए यहाँ अगर कुछ नहीं है तो टू है, तो एक तरह से बोलिए तो इस सबका बेस जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं क्या एम स्क्वायर एन स्क्वायर पावर वन बाई टू, एम स्क्वायर एन स्क्वायर पावर वन बाई सिक्स, एम स्क्वायर एन स्क्वायर पावर वन बाई थ्री, ये चीज़ें आई। तो इस सबका बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड होगा, तो पावर ऐड जब करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो ये आएगा। इस सबको ऐड कर लीजिए पावर को, तो जब पावर ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है टू वन बाई टू वन बाई सिक्स यानी सिक्स बाई सिक्स। ठीक है, तो सिक्स बाई सिक्स इक्वल टू वन यानी एम एन एम स्क्वायर एन स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया एम स्क्वायर एन स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसी के साथ। पावर एक्स है और फाइव बाई सिक्स पावर टू एक्स है 125 to 16 ये आया है। तो x का मुझे वैल्यू बेसिक तौर पे निकालना है, तो बेसिक तौर पर अगर x का वैल्यू निकालना है ठीक है ना, तो या तो इसको रेसिप्रोकल करो या इसको रेसिप्रोकल करो। तो ऐसा कर सकते हैं कि 5 बाई सिक्स बाई फाइव को 5 बाई एक्स कर देते हैं, तो दोनों का जो बेस है वो सेम हो गया। जैसे इसको रेसिप्रोकल करें यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हटाएंगे तो सिक्स बाई फाइव हो जाएगा, है कि नहीं। ये पहले हम पढ़ चुके हैं लो में देख चुके हैं। तो दोनों का बेस अगर सेम है देखा जाए तो पावर क्या होगा अलग अलग होगा। तो पावर को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ टू एच से यहाँ माइनस एक से ऐड करेंगे तो क्या आएगा क्या आएगा एक्स आएगा। तो ये जो आर एच एस है उसको भी रख लेते हैं। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया 5 पावर 6 पावर 2x माइनस एक्स इक्वल टू एच। ठीक है, तो इसको अगर क्यूब करते हैं 5 बाई सिक्स पावर टू, तो 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216। तो h को कंपेरिजन कर ले, h का वैल्यू क्या आ गया 3 जो सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट इफ 125x इक्वल टू 25 बाई 5x। ठीक है, तो x का वैल्यू हमें निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, x का वैल्यू ही तो निकालना है, तो इसको 5 का क्यूब कर देंगे उसका पावर x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये है 5 का पावर x, क्लियर है। तो ये 5 का पावर 3x हो गया, ये 25 पावर 5 के पावर x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5 के पावर 3x इंटू 5 पावर x इक्वल टू 25। यानी क्या आया 5 के पावर 4x इक्वल टू 25, क्लियर है। तो यहाँ पे देखेंगे 5 के पावर 4x इक्वल टू 5 और स्क्वायर आ सकता है, तो 4x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 बाई 4 इक्वल टू 1 बाई 2, कोई दिक्कत ही नहीं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे जो सॉल्व करने के लिए है डाटा उस पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 3 पावर 2 बाई 3 इंटू 2 टू पावर 3 6 पावर 7। ठीक है, रेडिकल 6 पावर 3। ठीक है, यही है। तो इसको और आगे सॉल्व करते हैं बेसिक तौर पे। तो जो फ्रैक्शन में है उसको लिख लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे देखा जाए ये आ गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो इस सब का रेडिकल्स 3 है इस सब में, है कि नहीं। तो इस सब का रेडिकल्स अगर 3 है तो देखा ये जाना है कि यहाँ 3। ठीक है, पावर सेम है बेस डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई होगा,
ठीक है, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, बिल्कुल बेस सेम है, सिक्स सिक्स है, तो ये क्या होगा, सिक्स पावर नाइन, क्योंकि बेस सेम रहता है, पावर डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई में ऐड होगा, तो ऐड हो गया। जब ऐड हो गया तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। ठीक है, इस कंडीशन में भी देख ये रहे हैं कि जब इसको अलग से लिखने के बजाय एक साथ लिख देते हैं, क्योंकि रेडिकल्स दोनों का सेम है, तो जब ये रिजल्ट हमारे पास आया और डिवाइड में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो जब माइनस होगा तो सिक्स पावर क्या होगा, थ्री, तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे, वन बाई थ्री, और जब मल्टीप्लाई कर ही देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, सिक्स। तो आंसर क्या हो गया, सिक्स। क्लियर है, पहले से इससे शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है एक्स पावर ए माइनस बी, ठीक है, और इसका पावर ए प्लस बी है। ठीक है, एक्स पावर बी माइनस सी और इसका पावर बी प्लस सी होगा। ठीक है, एक्स पावर सी माइनस ए और सी प्लस ए, ठीक है, इक्वल टू वन तो हमें लाना ही है, तो एल एच एस शुरू किए हैं, तो चलिए देखते हैं। तो ए माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है ना, ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। इस सबका बेस अलग सेम है तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पावर क्या हो गया, जीरो। तो किसी भी नंबर हो, रियल रेशनल हो, इरेशनल हो, कोई भी नंबर हो, अगर पावर जीरो होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, वन। तो आर एच एस प्रूव हो गया यहां से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शुरू कर रहे हैं फिलहाल, तो चलिए देखते हैं। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, कुछ खास है नहीं, जब यहाँ पर बेस सेम है और डिवाइड में चला जाता है तो ये माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, उसी तरह आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो जब ये चीज़ें आ गई तो ध्यान से देखने वाली बात ये है, तो इसको ब्रेक करेगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा, और पावर में वन बाई टू है तो ये भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है पावर के ऊपर पावर है तो इस तरह इसमें भी b प्लस सी बी माइनस सी, इसको ब्रेक किए b प्लस सी बी माइनस सी। ठीक है, जब ये जो है पावर के ऊपर पावर है ये भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इस तरह से आ गया c प्लस ए इंटू सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। क्लियर, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस ए। क्लियर है, तो जब ये सबका बेस सेम है, ये सबका बेस सेम है तो क्या होगा, यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो जीरो इक्वल टू वैल्यू क्या आ गया, वन आ गया। नो डाउट सॉल्व हो गया ये भी। तो इसी तरह से अंगिला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देर कीजिए। हाँ, पे क्या दिया है, टू पावर फोर्टी प्लस टू पावर थर्टी नाइन प्लस टू पावर थर्टी एट, यही है हमारे पास, टू पावर फोर्टी वन टू पावर फोर्टी एंड टू पावर थर्टी नाइन। क्लियर है कि नहीं है, तो ये कंडीशंस है, तो इसमें सबसे मिनिमम पर चलते हैं। तो अगर यहाँ पर देखेंगे टू पावर थर्टी एट,
तो इसमें से अगर 2 पावर 38 निकाल लेते हैं तो 2 पावर 2 ही बचे, 40 ही है, 42 ही ज़्यादा है ना, तो 2 पावर 38 निकाल लिए, 2 पावर 2 बचा, और इसमें से अगर 2 पावर 38 निकाल लिए तो 2 पावर 1 बचा, और इसमें से निकाल लिए तो कुछ बचा ही नहीं, जब कुछ नहीं बचा तो पावर में 0 बचा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसी तरह इसमें मिनिमम कौन है, 2 पावर 39, इसको निकाल लेते हैं, तो यहाँ ले बचेगा 2 पावर 2, 2 पावर 1 माइनस 2 पावर 0। ठीक है, समझ रहे हैं बात, तो यहाँ इसको अब सॉल्व कर लेते हैं एक सेकंड के लिए। 2 पावर 38 बाई 2 पावर 39, ये भी आएंगे, यहीं से शुरू करो, 2 पावर 2 4, 2 और 2 पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1, यहाँ पे 4 2 1। ठीक है, 2 पावर 38, 2 पावर 39, ये क्या हो गया 6, और ये क्या हो गया 5, सॉरी ये 7 और ये हो गया 5। क्लियर है, थोड़ा और सॉल्व करते हैं भाई, तो 2 पावर 38, 2 पावर 39, अगर इसको कट करो तो 2 टाइम्स में जाएगा, एक ही ज़्यादा है, तो बोल सकते हैं 7/2 × 5, तो जो रिजल्ट आया 7/ क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना समय लिए। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंस क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं, जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आए तो इसमें ये इस सब का वैल्यू जब इक्वल दिया है तो मान लेते हैं कि उन सब के इक्वल में कुछ है, जैसे कि मान लेते हैं 2 पावर x = 3 पावर y = 6 पावर z दिया है ना, इसक्वल टू की है ये हम मान लेते हैं, लेट्स। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आ गई कि अगर 2 के पावर x = k है, ठीक है, ओके, 2 के पावर x = क्या है, k है, तो 2 = क्या रहा होगा, ठीक है, k^1/x रहा होगा। क्लियर, अगर 2 = k^x रहेगा तो ये वैल्यू आएगा k, कैसे आएगा, एक सेकेंड के लिए आप समझ लेते हैं, 2 के पावर x = k, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, क्लियर है, अगर 2 का वैल्यू k^1/h रखेंगे, पावर x, ठीक है, तो क्या आएगा रिजल्ट, क्या आया, तो इसका मतलब ये है कि 2 पावर x = k यानी k^1/h = 2, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।